सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सन के बारे में। ये टॉप मॉडल है, XZ प्लस ऑप्शनल एंड डीजल वेरिएंट है। अगर हम बात करें इसकी एक्स शोरूम प्राइस की, तो ये टॉप मॉडल है डीजल XZ ऑप्शनल। तो इसकी प्राइस है 11,90,000 एक्स शोरूम। सो फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है, स्टार्ट करते हैं हम सामने से। सो यहाँ पे हमें बड़ा सा लुगो टाटा का मिल जाएगा। यहाँ पे पियानो फिनिश दिया गया है, यहाँ पे थोड़ी सी क्रोम फिनिश की गई है। एंड बात कर लेते हैं हम हेडलाइट सेटअप की। सो हेडलाइट में यहाँ पर हमें प्रोजेक्टर लैम्प मिल जाएगा, यहाँ पे हेलोजन, एंड यहाँ पर हमें DRL भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमें फॉग लैम्प मिल जाएगा। यहाँ पर फॉग लैम्प के जस्ट साइड पे सिल्वर फिनिश दी गई है थोड़ी। एक बार हम DRL को ऑन करेंगे तो की से भी आप इसको ऑन कर सकते हो फाइंड माई कार से। सो एक बार ऑन करते हैं। सो ये फॉग लैम्प ऑन हो गया और ये DRL ऑन हो गई। सो अब देख सकते हो कैसा लग रहा है। बार में थोड़ा सा पीछे से दिखा देता हूँ। सो DRL ऐसे कुछ दिखते हैं, एंड इंडिकेटर भी ऑल्सो DRL के अंदर ही इंडिकेटर है। एंड नीचे की बात करो अगर मैं यहाँ पे, सो यहाँ पे ट्राई फिनिश में ग्रिल दी गई है। फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको नहीं मिलते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक फिनिश है और यहाँ पे सिल्वर फिनिश है। एंड अब चलते हैं साइड पे। सो यहाँ पे नेक्सन की बैजिंग मिल जाएगी पियानो फिनिश में। हम बात करें अगर टायर साइज़ की, तो इसमें आपको 215/60 R16 के टायर मिल जाएगा, जो कि 16 इंचेस के अलॉय है। एंड अलॉय देखने में बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। ड्यूअल टोन अलॉय दिए गए इसमें। एंड इसमें आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगी एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगी। सो आगे चलते हैं। सो ये रहा हमारा ओवर VM, जिसमें यहाँ पे पियानो फिनिश दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमें जो नेक्सन में आता था वो ये वाइट स्ट्रिप्स यहाँ तक है। एंड इसका जो ऊपर का पार्ट है वो पूरा का पूरा वाइट है। एंड यहाँ पे देख सकते हो सनरूफ भी दी गई है। एक बार मैं ऊपर का दिखा देता हूँ आपको। सो ऐसा कुछ इसका है व्यू ऊपर से, तो सारे व्यू इसका कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। एंड हम बात कर लेते हैं पीछे की साइड। सो पीछे में यहाँ पे LED मिल जाएगी आपको, LED लाइट्स, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे रिवर्स लाइट एंड ये ब्रेक लाइट। जो ब्रेक लाइट आपको LED मिलेगी, इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट दोनों आपको बल्ब ही मिलेंगे। एंड अब बात कर ले पीछे की तरफ। सो हमें यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाएगा, ऊपर में सार फिनिश एंटीना मिल जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लाइट एंड ये रिवर पार्क रिवर वाइपर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे रिवर्स कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, एंड यहाँ पे नेक्सन की बैजिंग दे गई है। एंड यहाँ पर हमें एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। सो ऐसा कुछ था इसका पीछे का लुक। एंड अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। सो यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, इसको आप प्रेस करके ओपन कर सकते हो। सो ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस है। एंड अगर बूट स्पेस की कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ, तो 350 लीटर की बूट स्पेस आपको मिल जाएगी। एंड लोडिंग लिफ्ट ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, 1, 2, 3 and 4 आपको हुक मिल जाएंगे 3 kg के। एंड यहाँ पे एक लाइट बल्ब मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है, नाइट के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। एंड बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। सो ऐसा कुछ इसका इंजन बे है। अगर मैं बात करूँ इंजन की कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिल जाएगा, 4 सिलेंडर 4 वाल्व, एंड जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 108.5 bhp, एंड मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 260 Nm। एंड यहाँ पे इतना कुछ इंसुलेशन दे रखा है। सो अब हम चलते हैं सीधा इंटीरियर की तरफ। जब हम चलते हैं सीधा इंटीरियर की तरफ, तो ऐसी इसकी कुछ की है, यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाएगा हमें। एंड इस तरफ हमें लॉक एंड माई कार, यहाँ पे अनलॉक एंड यहाँ पे बूट ओपन। सो अब एक बार हम अनलॉक करते हैं कार को। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा, जो ये कार अनलॉक हो गई। एंड जैसे ही कार अनलॉक हो गई, यहाँ पे मिरर अनफोल्ड हो जाएगा एंड कार को लॉक करोगे तब फोल्ड हो जाएगा। सो ऐसा कुछ इसका डोर है। सो यहाँ पर डोर ओपन करने का, जो कि क्रोम फिनिश में दिया गया है, यहाँ पे पियानो फिनिश दी गई है, यहाँ पे सारे विंडो कंट्रोल्स एंड यहाँ पे हमें OVM कंट्रोल्स मिल जाएगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक यूज़ किया गया है, यहाँ पे हार्ड मटेरियल है। एंड यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाएगा, यहाँ पे सोलर डिस्टेंस स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे मैगजीन या फिर ऐसा कुछ रख सकते हो। एंड अब चलते हैं सीधा इंटीरियर की तरफ। सो ऐसी इसकी कुछ सीट है, जो कि 6-step मैनुअल एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी आपको इसमें। एंड ऐसा कुछ इसका स्टेयरिंग व्हील है। तो स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ, तो स्टेयरिंग की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे हमें लेदर फिनिश मिल जाएगा, यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पे सारा पियानो फिनिश किया गया है ब्लैक। एंड दिस साइड वी हैव क्रूज कंट्रोल, दिस साइड वी हैव मीडिया कंट्रोल,
यहाँ पे बीच में टाटा का लोगो मिल जाएगा, यहाँ से होन, तो होने पर हम बजा के देख लेते हैं। सो बहुत ही कम साउंड करता है होन। एंड अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें मिल जाएगा, एंड यहाँ पे हमें स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। सो एक बार हम इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं, तो जब हम ऑन करेंगे तब ऐसा कुछ इंटरफेस करेगा। सो बीच में हमें यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, देसर वी हैव टैकोमीटर, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर एंड यहाँ पे फ्यूल। सो बात कर लेते हैं फंक्शंस की, तो इसमें हमें यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटर जब मिल जाता है, एंड यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर दिखाता है, यहाँ पे ओडोमीटर, एंड इसमें हमें काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। सो यहाँ इस राइट साइड में हमें हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एंड लेफ्ट साइड में हमें वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएंगे सारे। सो बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को, जिसमें हमें 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाते हैं, एंड इसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले दोनों मिल जाते हैं। इसका टच रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो टच रिस्पॉन्स इज ओके, एंड हेयर इज एसी वेंट, एंड ये रहा एसी के कंट्रोल सारे, ये रहे। यहाँ पर एक्सप्रेस कूल का भी एक बटन दिया गया है, जिससे अगर आपको एकदम से कैबिन को कूल करना है तो इस बटन को आप प्रेस कर दोगे तो कैबिन स्पीड में कूल होगा। एंड यहाँ पर हजार लाइट का स्विच, एंड यहाँ पर मैं बात करूँ अगर तो यहाँ पर एक ऑक्स केबल नहीं दिया गया है, ऑक्स केबल, यहाँ पर एक USB चार्जर सॉकेट है, यहाँ पर 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। एंड यहाँ पर इंटीरियर में यहाँ पर भी पियानो फिनिश दिया गया है, जो कि देखने में बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप काफ़ी सारी जगह पर ट्राई फिनिशिंग दिया गया है, ये रहा देख सकते हो आप, यहाँ पे भी ट्राई फिनिश दिया गया है। ये काफ़ी सारे लोग को अच्छा भी लगेगा और काफ़ी लोग को बुरा भी लगेगा। एंड बात कर ले गेयर बॉक्स की, तो इसमें हमें 6.99 गेयर बॉक्स मिल जाता है, एंड जस्ट गेयर बॉक्स के पीछे हमें यहाँ पे मोड मिल जाएगा, सिटी, इको एंड स्पोर्ट। तो अभी सिटी मोड पे है, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो ये होगा इकोनॉमी मोड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, एंड ये होगा स्पोर्ट मोड। एंड यहाँ पे हमें एक ट्रे टाइप दिया गया है, जिसको आप ओपन करके, यहाँ पे कप होल्डर है दो, जिसको आप क्लोज भी कर सकते हो। आर्मरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आर्मरेस्ट के अंदर डिसेंट साइज है। ये आर्मरेस्ट की एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी, जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ तक लाया, मैंने छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिकली चला जाता है पीछे, मतलब स्प्रिंग दी गई है इसके अंदर। एंड अगर हम बात करें ग्लोव बॉक्स की, सो यहाँ पे बटन दिया गया है ग्लोव बॉक्स ओपन करने के लिए। सो ग्लोव बॉक्स की कैपेसिटी अच्छी है, यहाँ पे हमें 2 कंपार्टमेंट दिए गए हैं, एंड ग्लोव बॉक्स के अंदर हमें एक बल्ब भी मिल जाता है, बल्ब लाइट, जो कि अच्छी बात है। बात कर लेते हैं सन ब्लाइंड की, सो सन ब्लाइंड में ड्राइविंग सीट की तरफ हमें नो लाइट, नो मीटर, कुछ भी नहीं मिलता, को ड्राइवर साइड खाली मिरर मिल जाता है। एंड अगर मैं ORM की बात करूँ तो ऑटो डिमिंग नहीं मिलता आपको। अब बात कर लेते हैं सनरूफ के बारे में, सो यहाँ से आप सनरूफ को ओपन कर सकते हो। सो इस तरीके से इसकी वो सनरूफ ओपन होती है, एंड ये देख सकते हो आप अच्छी खासी है, एक बंदा आराम से बाहर निकल सकता है। पर हम क्लोज कर देते हैं इसको, एंड ये आपको मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है, बिकॉज आपको अगर कॉल पे बात करनी है तो इसीलिए यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। एंड अगर आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का साउंड सुनना है तो आपको जाना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करिए, वहाँ पर मैंने हाईलाइट पर दे रखा है। एंड हम एक बार कर लेते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा चेक। सो अच्छा कुछ इसका रिवर पार्किंग कैमरा है, जो कि क्वालिटी की मैं बात करूँ तो डिसेंट क्वालिटी है, एंड इसमें आपको गाइडलाइन भी मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। मैडम हम चलते हैं पीछे की सीट की तरफ। सो अगर मैं डोर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें पियानो फिनिश मिल जाएगी, यहाँ पर से डोर ओपन करने का, जो कि क्रोम फिनिश दिया गया है, यहाँ पर विंडो ओपन करने के लिए, ऐसे कुछ इसका सीट से। सब हम चलते हैं अंदर। सो फ्रंट सीट मैंने हमारी हाइट की सबसे एडजस्ट कर ली है, माई हाइट इज़ 5'6". सो आप देख सकते हो अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी आपको, स्पेस इज़ गुड। एंड अंडर थाई सपोर्ट की बात करो तो अंडर थाई सपोर्ट ही बहुत ही बढ़िया है, एंड आपको अच्छी खासी कंफर्टेबल राइड मिलेगी। यहाँ पे एक हुक दिया गया है, आप टांग सकते हो, यहाँ पे एक हैंडल बार मिल जाएगा आपको होल्ड करने के लिए। सीट्स पे हमें 2 हेडरेस्ट मिल जाएगा, जो कि एडजस्टेबल ही है, एंड यहाँ पे बीच में हमें आर्मरेस्ट मिल जाएगा विथ ट्विन कप होल्डर। सो ऐसा कुछ इसका बैग था। बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे आप 3 लोग बैठ सकते हो, 2 लोग कंफर्टेबल, 2 लोग बैठ सकेंगे एंड 3 लोग बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पर हमें 2 ऐसे इवेंट्स मिल जाएंगे,
क्योंकि ए पी से आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता, जो कि वो भी दे दिया होता तो बहुत ही अच्छा होता। सो ये था टाटा नेक्सॉन का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही आपको बाइक एंड कार के रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड ऑल्सो मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करिए, आपको स्क्रीन पर दिख रही है। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि चेकआउट कर सकते हो आप। सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।